नमस्कार। कल खबर आई अचानक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सपरिवार दुबई रवाना हो चुके हैं, और ये दुबई की यात्रा कोई वैसी यात्रा नहीं है जैसे बाकी मुख्यमंत्रियों की या प्रधानमंत्रियों की होती है कि मीडिया को पता हो, जनता को पता हो और मुख्यमंत्री किस काम से जा रहे हैं ये भी लोगों को मालूम हो। ये एक सीक्रेट यात्रा थी, गुप्त यात्रा, किसी को बताया नहीं गया। यहाँ तक कि जब मीडिया ने मुख्यमंत्री के ऑफिस में फ़ोन किया तो मीडिया वालों को ये बताया गया कि ऑफिस को कोई जानकारी नहीं है मुख्यमंत्री कहाँ हैं। ये मुख्यमंत्री की एक प्राइवेट ट्रिप है, निजी यात्रा दुबई की सपरिवार, जिसको गुप्त रखा जा रहा है। कौन गया इस यात्रा पे? वो आदमी गया, अरविंद केजरीवाल, जिसके रोज़ दिल्ली में ये रेडियो पे विज्ञापन आ रहे हैं, अपील आ रही है कि चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, चंदा नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें चंदा दीजिए। जिस आदमी के पास दिल्ली में चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, वो एक प्राइवेट ट्रिप में सपरिवार गुप्त रूप से दुबई जा रहा है। आखिर दुबई में किससे मिलने जा रहे हैं जो इतना छुपाने की ज़रूरत पड़ी? ये सीक्रेट क्यों? ये किससे मीटिंग है? अभी थोड़े दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन आया था कि खालिस्तान के आतंकवादियों का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। उसमें खालिस्तान के आतंकवादियों ने माना कि वो आम आदमी पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये विदेश यात्रा दुबई में, अभी एक हफ्ते, इससे पहले पूरे एक हफ्ते दुबई में सत्येंद्र जैन रह के आए, वो यात्रा भी गुप्त रखी गई। अब मुख्यमंत्री चुपचाप चोरी छुपे दुबई चले गए हैं। ये भी सुनने में आया है कि डोर स्टेप डिलीवरी का ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर दुबई में ही रहता है। बहुत तरह के सवाल, संदेह इसमें खड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, कोई एक हिडन एजेंडा है और देश के खिलाफ भी ये मामला जा सकता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए मुख्यमंत्री कहाँ गए और दुबई में किससे मिले। जय हिंद।